पवित्रो वा शर्वा वस्था गतो अपि यः स्मृत पुंडरी काक्षं शो बाभ्या अंतरः सुचिः ओ पुंडरी काक्ष पुनातु ओ पुंडरी काक्ष पुनातु ओ पुंडरी काक्ष पुनातु साथ बोलते कर दीजिए पूरा ऐसे रहा। देखिए ये गणेश जी हो गए, वो गौरी जी नवग्रह देवता पुरस्मातिका देवी दसों जगतपति ये वरुण देवता ये हमारे गेस्ट हो गए अगंतुक देवी देवी के सामने हम साक्षी में मानकर हमारे प्रधान देवता सबसे सत्यनारायण स्वामी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले तिलक करते हैं आप लोग तो। सुधो प्रणाम ओम चंद्रम वंदते नित्य पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते लक्ष्मी वस्तु सर्वदा यशस्वी भव दीर्घायु भव सुख संपत्ति सुखा भव मनोकामनां पूर्ति भव ओम हरि ओम अक्षदाम इदं समर्पयामि। आई भगवान जी ओम चंद्रम वंदते नित्य पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते लक्ष्मी वस्तु सर्वदा यशस्वी भव दीर्घायु भव सुख संपत्ति सुखा भव मनोकामनां पूर्ति भव। ओम चंद्रम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरतये लक्ष्मी वस्तु सर्वदा यशस्वी भव दीर्घायु भव मनोकामनां पूर्ति भव। आय व्यासी कम कम बेटा कम एकदम दे बहुत प्यारी हो तुम बार भी कर अखंड सौभाग्यति भव मनोकामना पूर्ति व सुख संपत्ति मनोकामना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पान पत्ता आ गया, सबसे पहले पान पत्ता हमने डाल दिया है उसके साथ सिक्का डाला हुआ है, डाला यहाँ से पांच का सिक्का डाला है, एडजस्ट कर दीजिए बढ़िया से। एक बहुत पूर्ण काम हम लोग का हो गया, अब हम लोग चलते हैं संकल्प की ओर। पान जी बहुत अच्छा है कुछ पैसे इसमें से संकल्प ले लीजिए, नीचे हाथ लगा लीजिए भगवान जी ऊपर द्वितीय प्रार्ध श्री श्वेता बारह कल्पे वैमस्वत अन्वंतरे अष्टा विंशति तमे कलि युगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे आर्यवर्ते गदेशे पुण्य क्षेत्रे पुण्यन्दु नगर पुण्यन्दु नगरे क्षेत्रे मम गृहे स्थाने चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दश्याम हाँ चतुर्दश्याम तिथवे अपना नाम अपना अपना गोत्रस्य उत्पन्न कहम अहम वयम सकल परिवारस्य बंधु बांधवस्य सुख समृद्धि पारिवारिक शांति दीर्घायु कल्याणमस्तु विद्या वाप्नोति व्यापारे वृद्धि नाना प्रकारे मनोकामना पूर्ति हेतु
अहम पुण्य तिथौ महावीर जयंती दिने समय यथाशक्ति यथास्थाने अहम श्री आगंतुक देवी देवता यथा गौरी गणेश भगवान नवग्रह भगवान अजिता भगवान खोडश मातृका देवी दसो दिशा के अधिपति भगवान प्रकृत श्री सत्यनारायण स्वामी कथाया संकल्प अहम करिष्यामि। मेन काम हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, बाएं हाथ में रखे, हाँ जी सर। ओम मनोहरज्योतिर्जोजामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञं तत्रस्यं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवात्यहम् आत्मनः प्रतिष्ठा असय प्राणः परस्तु असय प्राणस्य तु अस्य देवात्मनः कृष्णः। ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। दाहिने हाथ से चतुरा गौरी गणेश को छोड़िए, बगल में नवग्रह देवता को छोड़िए, आगे में पंच देवता को छोड़िए। इस जगह पे खोडस मातृका देवी है, यहाँ दसों दिशा के अधिपति हैं, और यहाँ लास्ट सारा छोड़ दीजिए वरुण देवता को। अब प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब हम चलेंगे जल से स्नान की ओर। एक आदमी स्पर्श कर लीजिए, ओम गंगे च यमुने, कुछ नहीं कर दीजिए, स्पर्श कर लीजिए, पहले वहां हो जाएगा। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जरे अस्मिन् सन्निधिं कुरु। आस्थानं प्रतिष्ठितां श्री गणसंबिकाभ्यां नमः। नवग्रह पञ्चदेवताभ्यो नमः। खोडस मातृका देवी भ्यो नमः। दस दीपालेभ्यो नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। विशेष पूजन में ओम पंचामृतम पयोदधि गिरिव मदो स्नान समर्पयामि। गगर कसरा करे गगर भगवान को सेवा दीजिए। ओम स्नान समर्पयामि। ओम स्नान समर्पयामि। ओम स्नान समर्पयामि। ओम स्नान समर्पयामि। ओम करे 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 करा करा सुन करा खाली पकड़ खाली पकड़ ले ना हाथ पकड़ ले। ओम शुद्ध का स्नान समर्पयामि। शुद्ध का स्नान समर्पयामि। शुद्ध का स्नान समर्पयामि। ये मेन सेवा हो गया। ऐसा बेटी को पकड़ा भगवान के साथ। ओम उपवस्त्रं समर्पयामि श्री नमो भगवते वासुदेवाय। यही जन्म जो है बहुत बढ़िया होता है ना जन्म। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्री नमो भगवते वासुदेवाय। यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्री गणगणपतये नमः। नीचे में गणेश भगवान जी जी लग तक लग्न आने का ठीक है। एक छोटा ये जी एक है ये रोली रोली श्री गणेश जी और गौरी जी को। ओम श्री गणेशाय नमः। चंदनम समर्पयामि गौरी नमः। देवी भ्यो नमः। श्री नवग्रह देवता भ्यो नमः। श्री पंच देवता भ्यो नमः। बहुत बड़ा काम है सेवा करना। देवी जी को खोडस मातृका देवी भ्यो नमः। दस दीपाली भ्यो नमः। वरुण देवता भ्यो नमः। और वहां हमारे ठाकुर जी को श्री भगवते वासुदेव। उसी प्रकार आप इनके साथ हल्दी हल्दी टर्मरिक। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री अंबिकाभ्याम नमः। श्री नवग्रह देवता भ्यो नमः। श्री पंच देवता भ्यो नमः। श्री खोडस मातृका देवी भ्यो नमः। श्री दस दीपाले भ्यो नमः। श्री वरुण देवता भ्यो नमो नमः। ऊपर श्री भगवते वासुदेव। अतुल लगे छे की करबे तुला बोल लगे अपने चरण में बोल लगे छे। ये क्या बोलते हैं कलश में तेरे गौरी ने सिंधु सिंधु गौरी गौरी
आप ही लगा ठीक है। कलश में नीचे से पांच बार पहले गौरी गणेश को थोड़ा सा सिंदूर, ये सिंदूर ये पीला गौरी गणेश कोई एक आदमी कलश में नीचे से ऊपर पांच बार हाथ बचा के देखिएगा दीपक का पांच बार नीचे से ऊपर चुटकी में हाथ छोड़ थोड़ा सा थोड़ा मात्रिका के लिए आप लगा लीजिए और लोग लगवा दीजिए लोग लग गया क्या और लोग उधर ये सिंदूर उधर भी भाभी लोग ये चम्मच है क्या थोड़ा सा सीधा प्रसाद बना दिए क्या ग्लास में जाने की जो आइटम है ना इसमें निकलवा दीजिए ग्लास में निकलवा दीजिए और बाकी कुछ बनाया इसमें निकलवा ये फल और है फल और खड़ा फल भी है क्या समय से निकलवा दीजिए ना एक पीस जो जो है ये हो जाएगा आपका मैं दीप जल रहा है ना बेटा
ओम श्री कम भगवते वासुदेव नाना प्रकीर्णम तु पुलंतरे विद्यम निविद्यामि आगे बढ़ा के अरे हट माय गॉड तो तू ठीक है एक और होगा खीर ठीक है तीन बार आठवन कीजिएगा बोलेंगे तो जी जल्द से केसरिया तीन बार लोकाकल्प्य ओम अमृतो वस्त्रमसि स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम प्रणाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम मुदनाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा सरकरा खंड खदानी दधि क्षीर घृतानी चैव नाना प्रकार ऋतुफलम पंचभिवा मिष्ठानम चूर्ण कुचन प्रसादम प्रिय प्रसादम आहार भद्भोज्यम सिद्ध प्रसादम ग्रहण करिष्ये उपरांते जल श्री माधवाय नमः श्री नारायण अब हम लोग भगवान को याद कर लिए गणपति बंधवामहे प्रियणन्त्वा प्रियपति बंधवामहे निहिनन्त्वा निधिपति बंधवामहे वसुमं महं जाने गतमा त्वं जासि गतमा मांगल्ये पूजा प्रधान गृहान पूजा भगवान नमस्ते अम्बे अम्बिके अम्बारिके नमामि कृष्णपतिकां काम्पे वासिनी बोलिए श्री गौरी भगवान की चल रहे ब्रह्मा मुरारी अति प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्रासनी राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु श्री नवग्रह देवता भ्यो नमः श्री पंच देवता भ्यो नमः श्री खोडस मातृका देवी भ्यो नमः बड़ा ही सुने अब हम लोग अभी जो मंत्र बोला हमने जितने भी तीर्थ नदियां तीर्थ स्थल वहां ने सबका आमंत्रित किया आई अब हम लोग जितने माता पिता हमारे हैं गुरुजन है गांव के भगवान जी सबको हम लोग ध्यान करते चरण स्पर्श करते प्रणाम करते हैं उसके थोड़ा ध्यान स्वस्थायन से हाँ लीजिए हनुमान जी हाथ जोड़िए ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद सर्वाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्ष वारिष्ठणेमि स्वस्ति नौ यत्पति दधातु बृहदसवा मरुतः पृषणी मात्रा शुममयानो विद्यतसु जग्मया अविनी जीव मर्वासु च विश्वेन्द्रसानमि भद्रं कर्णिभि सुयां देवा भद्रं तस्माद् वेदतस्मि रंगश्वा सस्तमीनु भिवसे वैदयितमिदायु
सत्मीनो सत्तो आदि देव यात्रा कर सत्तम तो दशनाम पुत्राम पुत्रासुत पितर भवंति मान मध्यसरण तो ओम अतिदीर द्वादे वर्षर कसत्र विश्वति पंजनाम अतिदीर जागमति जंत्री बोली ओम देवा शांति अंतरिक्ष वंग शांति पृथ्वी शांति अपह शांति रोषधेय शांति बृहस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यता समयसे ततो नु अभ्यं कुरु सम्यक् रूपजाभ्यग्ना पशुभ्यसु शांतिर्भवतु। बोलिए ओम श्री मन महा व्याधि पते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नराभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भ्याम नमः। ओम श्री सचि प्रद्राभ्याम नमः। ओम श्री मातृ पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बस पाठ सरकार वाले माता पिता के लिए ओम श्री मातृ पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वासु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम घर के सभ्यो देवीभ्यो देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सारे ब्राह्मण कुल को ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महाधिपते नमः। सुनेंगे ओम सुमुखा एक से एक दशका कपिलो गजकर्णका लंबो दृष्ट विट्टो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वैसादानि नामानि यापज्यो यादपि विद्यारवे विवाहे च पर्वसे निर्गमे तथा संग्रामे सन्निते चैव अभिनस्त्य न जायते शुक्लां वर्धरं देवं ससीवर्णं चतुर्भुजं नवदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो उपशान्तये अभिसिद्ध्यत पूजितो यः सुराश्रये सर्वविघ्नस्तमे ग्राधिपते नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्तो भगवान् मंगलाय तनुम हरि तदेव लग्नम सुदि तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी पते त्रयम् स्मरामि लाभस्तसाम यत्साम कुतस्ताम पदायनः ये सामर्थ्य वर्ष्यामो हृदस्तो जनान ओम मुक्तदुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्वीनं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा आरंभ करेंगे ठीक है। ये लीजिए सबसे पहले हमारे नारायण भगवान का ध्यान जो हमारे सृष्टि के पालन करता है उनको हलचल कुछ तो बोलिएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। प्राप्त कीजिए पत्र पुष्प सबको दे दीजिए। जितने लोग हैं श्रोता यदि किसी को उठना होगा तो अपने बगल वाले को फूल देख के विनोद करते हैं। जो इंग्लिश है वो नहीं लेंगे। जो इंग्लिश नहीं है वो लेंगे ठीक है। हेलो एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ जाइए भगवान के नजदीक आना चाहिए। यहाँ आ जाइए कोई दिक्कत नहीं। यही आ जाइए सुबह पर बैठ जाइए जगह पर भगवान के नजदीक आना चाहिए। बैठ जाइए इधर इधर बैठ जाइए जगह पर।
फिर से पुनः बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन मेरे लाल की जय। ये जो कथा है हमारे बीच की कथा है, इसमें रंग के लिए भी है और अजय के लिए भी, बस हमें कैसे जीवन जीना है, किसी के प्रति कैसा भाव रखना है, वही है कथा हम लोग के बीच की जीवन की। अतः प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय प्राण की चलने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नौमिखंड क्षेत्र मन को प्रसन्न करने वाली सभा, उसी समय अति तेजस्वी व्यास के शिष्य सूची सिद्ध गण के से हरि नाम स्मरण करते रहे। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते थे महातेजस्वी स्वर्णकाली मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्री सूत जी तथा परम वैष्णव स्वर्णकाली ऋषि परस्पर सीता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके स्वर्णकाली मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों से अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से स्वर्णकाली मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, एक सर्व सूत जी, इस कली काल में कलयुग में पृथ्वी पर मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से, अर्थात अच्छे कर्मों में मन किस प्रकार लगे जिससे सारा हमारा जीवन अच्छे से बीते। ये भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे, अच्छे कर्मों से विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे, प्रायः पुण्य अति परिश्रम से। भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि जितने भी कर्म हैं, अच्छे कर्म अपने परिश्रम से मेहनत से होते हैं, इसे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करे, सब अच्छे कर्म ज्यादा मन नहीं लगेगा, सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे, तब तुक्ष ज्ञान वाले हो जाएंगे, तब तुक्ष ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। ये सूजी किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए बताएं, जिसके उद्देश्य से मनुष्य पुण्य या पाप, अच्छे कर या बुरे कर, जो जैसा करते हैं वह स्वयं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, भागी होते हैं। पुण्य का उद्देश्य करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, अच्छी बातें लोगों को शेयर करने वाला, बताने वाला, दयावान, काइंडफुल, कपट रहित, निष्पाप, निर्दोषी, चार तरह के गुण वाले मनुष्यों को साक्षात सत्यनारायण स्वामी बताए गए, महिलाओं को लक्ष्मी बताएगी, ये चार गुण होना मैंडेटरी है। दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्दोषी, ये चार चीज। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं करता, अच्छी बातें नहीं बतलाता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। जो उस रत्न रूपी ज्ञान से, भगवान ने इस बुद्धि को, ज्ञान को रत्न बोला, आभूषण बोला, कभी क्षय नहीं हो सकती, दूसरों को संतोष देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें मनुष्य धारण के साक्षात नारायण स्वामी जाने के महामते, ऐसा कौन रहता है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, मैं सोचू और वैसा हो जाए ससमय। वह हम लोगों को सुनने की इच्छा, आपके लिए भी बड़ा बढ़िया चीज है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत की कथा है, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूजी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रगण्य हो, कारण कि तुम सदैव सब प्राणियों का भला और हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से, नारायण स्वामी से पूछा था, और इसका भगवान ने नारायण से कहा, ऋषिगण उससे सावधान हो, सुनो। इति प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन के लाल की जय, उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, फिर मैं दे रहा हूं प्रसाद कलयुग भगवान के। ये नमन्दो बलि राजा दानवेन्दो महाबली त्वामपि प्रतिपदनामि, रक्षे रक्षे माचल माचल माचल, ओम भूर्भुवः स्वः तस्सर्वे पूर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यशस्वी भव, दीर्घायु भव, सुख संपत्ति सदा भव, ओम कल्याणमस्तु, हरि ओम। आइए तो है, दो है। अच्छा है।